हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोल सकते हैं इसको मेडिकल भाषा में। उसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं करीब 6 लाख किलोमीटर लंबा, राइट, और वो ब्लड वेसल हार्ट के ऊपर भी है। वो ब्लड वेसल जो हार्ट के सेल्स को ब्लड भेजता है, फूड भेजता है, ऑक्सीजन भेजता है, उसमें अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, उस ब्लॉकेज से आपको जो तकलीफ होती है, राइट, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, आपको पसीने छूटने लगेंगे, आपके एंजाइना, पेन को एंजाइना बोलते हैं, हार्ट के यहाँ पे पेन होगा और वो पेन रेडिएट करेगा हाथों में, तो इस तरह के जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, या जब चलेंगे तो पेन होगा, तो उसे, और अगर पेन ज़्यादा हो गया, पसीने एकदम छूटने लगे, पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि हार्ट अटैक हो गया। ब्लॉकेज तो होना अपने आप में हार्ट अटैक नहीं है, ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक, मतलब ये कि ब्लॉकेज जब 100% हो गया और ब्लड अब जा नहीं रहा है सेल्स में, हार्ट के सेल्स को जब खाना पीना ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट के सेल मरने लगेंगे, और जैसे जैसे वो मरने लगेंगे वैसे वैसे आपको दर्द का एहसास बढ़ने लगेगा। इस पल को बोलेंगे आपको हार्ट अटैक हो चुका है। हालांकि एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि जिस तरह के मैंने सिम्टम भी बताए, ये सारे सिम्टम तब भी हो सकते हैं जब किसी को गैस्ट्रिक पेन हो, राइट, यानी कि वो पेन आएगा पेट से लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ गया 99% केसेस में, तो वो हार्ट अटैक की तरह की कई सारे इलाज चलेंगे उस पर, हालांकि वो हार्ट अटैक अभी था ही नहीं। ज़्यादातर 99% लोगों का हार्ट अटैक नहीं होता, वो गैस्ट्रिक पेन होता है जो कि अपने आप ही समय के साथ ठीक हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पहली बात तो हार्ट अटैक एंड गैस्ट्रिक पेन आर सिमिलर, और दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे डायग्नोज होगा, कोई सटीक डायग्नोस्टिक तरीका नहीं है जिससे ये क्लियरली पता चले कि ये गैस्ट्रिक पेन था या हार्ट अटैक था। ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट हैं लेकिन फिर भी वो उतने रिलायबल नहीं है, तो वो तो एक तुक्के वाली बात ही हो सकती है। आप मान के चलिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर 99% चांसेस है कि वो गैस्ट्रिक होगा, इसे कहते हैं GERD, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, तो पता चलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपकी हिस्ट्री अगर है कि गैस्ट्रिक की तो आप मान सकते हैं शायद वो गैस्ट्रिक पेन ही हो। इस तरह से आप थोड़ा अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, आप पिन पॉइंट करके नहीं पता चल सकता। ECG करके बोलते हैं कि आपको हार्ट अटैक का पेन है, ये वो भी रिलायबल नहीं है, राइट, वो भी एक तुक्के वाली बात ही है, उससे भी नहीं पता चलता। देखिए अभी एक तीसरी चीज़ आ गई, अभी हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक की और GERD की, राइट, अब तीसरी चीज है कि कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब होता है डेथ, कोई इंसान जैसे मर गया अभी आंखों के सामने, तो पहले 10 मिनट में उसे बोलेंगे कार्डिक अरेस्ट, 10 मिनट बीत गए तो उसी डेथ को बोलेंगे डेथ, डेथ से पहले, राइट, मरने के बाद और 10 मिनट हुए नहीं तो हम बोल सकते हैं ही हैज गॉन इन अ कार्डिक अरेस्ट। मतलब आपके सामने कोई पड़ा हुआ है, अभी आप जिंदा था आपके सामने, अभी अचानक वो कोलैप्स हो गया और आपने सिर्फ ये देखा कि उसके पल्स नहीं है, सांसें नहीं है, तो आप बोलेंगे ही हैज गॉन इन कार्डियक अरेस्ट, और ऐसे 10 मिनट बीत गए, अब बोलेंगे ये मर गया। मरने और जीने के बीच का जो समय है 10 मिनट, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। मतलब ये कि जब इंसान कोई मरता है तो एकदम से नहीं मरता, उसकी सांसें चली जाती है, पल्स चला जाता है, वो ऐसे ही डेड बॉडी की तरफ पड़ा रहता है, उसकी जो आत्मा है वो आसपास ही रहती है, तो ही इज स्टिल इन कार्डियक अरेस्ट। ऐसे में उसके अगर हार्ट को पंप कर सकते हैं जिनको आता ठीक से, आत्मा वापस आ सकती है, तो डेथ तो वापस नहीं हो सकता, कार्डियक अरेस्ट वापस हो सकता है, इसीलिए पहले 10 मिनट को डेथ ना बोल के बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में तो वो जिंदा है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये कि वो मर गया है लेकिन 10 मिनट हुए नहीं तो मरना घोषित नहीं कर सकते, तो दैट इज़ द डिफरेंस। जैसे मैंने बताया आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ गया या इसे हार्ट अटैक आ गया, डिपेंडिंग ऑन की उसके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर ऐसे लोग जो जब वो चलते हैं तो पेन बढ़ जाता है, एक्शन में पेन बढ़ जाता है, सीढ़ियाँ चलते हैं तो पेन बढ़ जाता है, सामान उठाते हैं तो बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली वो हार्ट का पेन है, राइट। तो ऐसे और वो पेन अचानक बढ़ता चला गया तो आप लिंक कर सकते हैं वो हार्ट का पेन है और अब ब्लॉकेज 100% आ गई है। तो ऐसे में उनको क्या करना है, जैसे ये पहला सिम्टम दिखेगा तो उनको मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मुझे क्या करना है कि दोनों पैरों को ऊपर ले लेना है, अगर मैं चेयर में बैठा हूँ,
या नीचे बिठा देना पहले, तो चेयर में बिठाना नहीं है, मैं तो चेयर में बैठा हूँ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और पीछे दीवार या पीछे कोई सपोर्ट इस तरह से जैसे मैंने बैठा हूँ, और दोनों पैर इस तरह से। ये जो एक पोस्चर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इस पोस्चर को। ये पोस्चर हार्ट प्रोटेक्टिव पोस्चर है, हार्ट को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेस्ट पोस्चर है। तो इस पोस्चर में आपको पेशेंट को बोलना है बैठने के लिए। पेशेंट अगर बैठ सकता है सपोर्ट लेके ऐसे इस ऐसे बैठ जाएगा जैसे मैं बैठा हूँ। तो इज अ हार्ट प्रोटेक्टिव पोस्चर, राइट, यानी कि वो जो हार्ट के डैमेज होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, एक्सपेक्टेडली कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, राइट। ऐसे उसको बिठाएगा तो आराम मिलना शुरू हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जबकि वो बैठा हुआ ऐसे, तो उसको साथ में वो जो हार्ट अटैक का जो स्पीड बढ़ता जा रहा है उसको रोकना है, तो उसको ऐसे करके अदरक खाते रहना है, चबाना है, अदरक चबाना बहुत ज़्यादा, जब तक कि आँखों से आंसू ना आ जाए। जब आंसू आने लगेंगे तो यानी कि, और उसको सिम्टम कम हो जाएगा तो माने कि हॉल्ट हो गया, राइट। तो यानी कि याद रखिए कि जब हार्ट अटैक का पेन आता है उस वक्त आप पैनिक में डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन तब तक हम करें क्या, उसको कैसे आराम दें, राइट। तो उसको स्टेप वन पोस्चर आपने चेंज किया, स्टेप टू अदरक उसको बोला खाते रहो जब तक आंसू ना आ जाए या जब तक आपके सिम्टम कम ना हो जाए। सिम्टम कम हो गए तो वो ठीक हो गया, राइट। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल जाओ ही मत, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब ऐसा हो गया उस एक सेकेंड में, उस एक मिनट में, उस पाँच मिनट में क्या करना है उस पेशेंट के साथ जब तक कोई और हेल्प नहीं मिल रही, तो ये आपको करना है। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द पेशेंट।